हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द विजन अकेडमी एजुकेशंस। और हम इस वीडियो में आज पढ़ने वाले हैं कैपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस। मैं इस वीडियो में आपको कैपलर्स के तीनों लॉ को मैं डिफाइन करूंगा और डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैपलर ने तीन लॉ दिए थे प्लैनेटरी मोशंस रिलेटेड। प्लैनेटरी मोशंस मीन्स ये है कि जो हमारे सन, जो हमारे सोलार सिस्टम्स में जो एक मोशंस क्रिएट होता है सन और प्लैनेट्स के बीच में, तो वो टाइम पीरियड कितना लेते हैं, कितना एरिया कवर करते हैं और प्लस वो कौन से शेप में रिवॉल्व करते हैं, वो सारे चीज़ें कैपलर्स के तीनों लॉ ने डिफाइन किया है। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं एक एक लॉ कौन से चीज़ों को डिफाइन करता है। पहला लॉ है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, सेकेंड है लॉ ऑफ एरियाज एंड थर्ड है लॉ ऑफ पीरियड्स। तो सबसे पहला हम देखेंगे लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, कैपलर्स फर्स्ट लॉ। कैपलर फर्स्ट लॉ डिफाइन इच प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। द सन सेंटर इज ऑलवेज लोकेटेड एट वन फोकस ऑफ द ऑर्बिटल इलिप्स। द सन इज एट वन फोकस। यहाँ पर कैपलर का जो फर्स्ट लॉ है ये हमें डिफाइन करता है कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। इलिप्टिकल ऑर्बिट मीन्स अगर हम सर्कल को थोड़ा दबा दें तो वो एक इलिप्स शेप लेता है, एक इलिप्टिकल शेप लेता है, जैसे कि ये। और जो यहाँ पे सन होता है वो फोकस पॉइंट पे होता है, मींस डैट जैसे सन, जैसे सर्कल का एक सेंटर होता है वैसे इलिप्टिकल ऑर्बिट्स के फोकस होते हैं। तो फोकस यहाँ पर भी होता है और प्लस यहाँ पर भी होता है, तो सन यहाँ पर हो सकता है नहीं तो यहाँ पर हो सकता है। ऐसे कैपलर का फर्स्ट लॉ उस टाइम पे उन्होंने ऐसा डिफाइन किया था। ओके, तो इस लॉ से हमें ये पता चलता है कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं और जो सन होता है वो एक पॉइंट पे हमेशा लोकेटेड होता है, वो है फोकस, इलिप्स का फोकस। तो कैपलर का ये फर्स्ट लॉ है, बहुत सिंपल है, इसको हम लॉ ऑफ इलिप्सेस भी कहते हैं। और चलिए हम इसको एक डायग्राम के थ्रू और अच्छे से क्लियर करते हैं। जैसे कि आप देखोगे जो ये अर्थ है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, सन हमारा फोकस लोकेशन पे सिचुएटेड है इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट। ओके, सो हियर फर्स्ट लॉ डिफाइन दैट ऑल प्लैनेट्स मूव अबाउट द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स हैविंग द सन एज वन ऑफ द फोकाई। हम इसको फोकाई भी बोलते हैं। और एक बात का ध्यान रखना कि इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में दो फोकाई होते हैं, एक यहाँ पर होता है और एक यहाँ पर होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं हम कैपलर्स के सेकेंड लॉ। कैपलर सेकेंड लॉ डिफाइन द इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग अ प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज ऑफ स्पेस ड्यूरिंग इक्वल टाइम इंटरवल्स एज द प्लैनेट ऑर्बिट्स। यहाँ पर कैपलर का सेकेंड लॉ ये डिफाइन करता है कि जब भी प्लैनेट रिवॉल्व करता है अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट तो वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करता है। तो इसको एक अलग तरीके से देखा जाए तो द टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द ऑर्बिट दैट इज द साइज ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो हम अभी डायग्राम में सेमी मेजर एक्सिस क्या होता है ये भी देखने वाले हैं। तो चलिए हम इसको अच्छे से डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो कैपलर का जो सेकेंड लॉ है ये बताता है कि मान लीजिए ये हमारा एक प्लैनेट है, अगर आपको यहाँ पर रेड डॉट बना रहा हूँ, यहाँ पर एक प्लैनेट है, वो प्लैनेट वन मंथ में इस पोजीशन से मूव होके इस पोजीशन पे आया है। तो अगर आप एक ज्योमेट्री डायग्राम ड्रॉ करोगे सन के फोकस से तो यहाँ पर एक एरिया बनता है, एक एरिया क्रिएट होता है जिसको हम बोलेंगे ए टू। जितना टाइम यहाँ पर प्लैनेट ने यहाँ से यहाँ पर रिवॉल्व होने में लिया है वही उतना ही सेम टाइम प्लैनेट यहाँ से यहाँ पर मूव होने के लिए लिया है। ओके, बात समझ आए। वन मंथ यहाँ पर भी लिया है और वन मंथ यहाँ पर भी लिया है। तो कैपलर के सेकेंड लॉ के हिसाब से ये हुआ कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में एरिया जो स्वीप करता है एक प्लैनेट वो इक्वल एरिया स्वीप करता है, मीन्स डैट ए वन इक्वल टू ए टू, मतलब यहाँ का एरिया और यहाँ का एरिया सेम है बिकॉज प्लैनेट की जो मूवमेंट की जो टाइम है वो सेम है, यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है। उनका जो मोशंस होता है, जो उनकी वेलोसिटी होती है वो पूरे ऑर्बिट में सेम नहीं होती है, यहाँ पर इनकी वेलोसिटी डिफरेंट है और यहाँ पर इनकी वेलोसिटी डिफरेंट है। मान लीजिए यहाँ पर वेलोसिटी V1 है और यहाँ पर प्लैनेट्स की वेलोसिटी V2 है। ऐसा इसलिए होता है, प्लैनेट सन से दूर होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स में थोड़ी डिफरेंस आ जाती है जिसके वजह से यहाँ पर इनकी वेलोसिटी जो होती है थोड़ी स्लो हो जाती है। तो मैंने ग्रेविटेशनल्स पे भी वीडियो बनाए हैं, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस का मैंने वीडियो बनाया है, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। अगर प्लैनेट अगर सन के नज़दीक में रहता है तो
उसको हम बोलते हैं पेरिहेलियन। यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द एपिहेलियन। इनके ही वजह से सीजन्स भी डिसाइड होते हैं, विंटर समर सीजन जो रेनी सीजन्स होते हैं वो इनकी वजह से ही डिसाइड होते हैं। तो कैपलर का सेकेंड लॉ बहुत सी चीज़ों को डिफाइन करता है। तो ये तो हमारा कैपलर का सेकेंड लॉ जो कि एक इम्पॉर्टेंट लॉ है कैपलर्स का। तो चलिए अब हम देखते हैं कैपलर्स के थर्ड लॉ। कैपलर का थर्ड लॉ ये डिफाइन करता है कि द स्क्वायर्स ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड्स ऑफ द प्लैनेट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब्स ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेमी मेजर एक्सिस के बारे में मैं बताऊंगा आपको, तो ये वाले स्लाइड्स में आपको मैं बताता हूं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कैपलर्स थर्ड लॉ। ओके, तो इस डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि जो ऑर्बिटल पीरियड होता है अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, क्यूब्स ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ देयर ऑर्बिट्स। कैपलर के थर्ड लॉ को हम लॉ ऑफ हार्मोनिक्स भी कह सकते हैं। तो चलिए हम इसको और अच्छे समझते हैं डायग्राम के साथ। जैसे कि हमारे सर्कल्स में डायमीटर्स होते हैं, रेडियस होते हैं, सेम इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो सबसे बड़ा जो लेंथ होता है उसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। अगर मैं उसको सेंटर से लूँ तो उसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, इसको बोलेंगे हम सेमी मेजर एक्सिस। और ये वाले लाइन को हम बोलते हैं माइनर एक्सिस, हम बोलते हैं इसको माइनर एक्सिस। तो अगर मैं इसको सेंटर से लूँ यहाँ पे इस सर्कमफेरेंस में तो हम उसको बोलेंगे सेमी माइनर एक्सिस। तो ये है हमारा मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। और जो कैपलर का थर्ड लॉ है वो ये डिफाइन करता है कि जो हमारा टाइम पीरियड होता है, समझ लीजिए प्लैनेट है, इसका जो टाइम पीरियड है एक ऑर्बिटल पीरियड है, मींस डैट ये ऑर्बिटल पीरियड यहाँ से स्टार्ट हुआ और एक पूरा रिवॉल्यूशन लेके फिर इसी प्लेस पे आ गया। और जो एक टाइम लेगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, आर क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो ये था हमारा कैपलर्स के तीनों लॉ। तो इन कैपलर्स के तीनों लॉ में अगर आपको कोई डाउट रहेगा या कोई ऐसा कुछ कन्फ्यूजन रहेगा तो आप कमेंट करके हमें जरूर पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो ये इन्फॉर्मेटिव यूज़फुल लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। टेक केयर एंड बाय बाय।